बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन चैप्टर से रिलेटेड है। एवेल्युएट द इंटीग्रल इंटीग्रेशन अलोंग सी वन अपॉन जेड कॉस जेड डी जेड वेयर सी इज़ द एलिप्स 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 1। तो इसको ट्रेस करने के लिए सबसे पहले हमने इसका इक्वेशन लिखा है 9x² प्लस 4y² इक्वल टू 1। उसको इस फार्म में बदलने के लिए यहाँ पर इसके कोफिशेंट यानी एक्स को कोफिशेंट को 1 बना लेंगे, तो इसके लिए हम 9 को अपान में ले आएंगे, यानी 1/9 करके लिखा जा सकता है, क्योंकि डबल अपान में जब होता है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे y² कोफिशेंट बन बनाएंगे तो 4 को हम डबल अपान में ले आएंगे, और हम इस फार्म में बदलना चाहते हैं तो ये x² अपान 1/3 का होल आप स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस y² 1/2 का होल आप स्क्वायर। इस चीज़ को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डिटेल में हम करके दिखाते हैं। तो a की जगह 1/3 है और b की जगह पर 1/2 है। देख रहे हैं 1/2 ग्रेटर है 1/3 से, तो इलिप्स का जो शेप होगा वो इस तरीके से होगा, और ये स्टैंडर्ड फार्म में है तो आपको मालूम है इसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन ही होगा, लेकिन यहाँ पर बाई एक्सिस पर ये वैल्यू ज़्यादा होगी 1/2, यानी 1 ले लें तो उसका हाफ 1/2 हो जाएगा ये, और ये डिस्टेंस जो होगी ये एक्स एक्सिस पे होगी थोड़ी सी कम होगी। तो इस तरीके का एक शेप हमको मिल जाएगा, और ये सिमेट्रिकल होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स में भी इवन पावर है और वाई में भी इवन पावर है। हालाँकि यहाँ पर प्लॉट करना हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना। अगर हम लिखना भी चाहें तो उसको ये वैल्यू 1/3 के इक्वल है और ये वैल्यू 1/2 के इक्वल है। कोऑर्डिनेट भी अगर इसके लिखना चाहें वर्टिसेस से के, तो 1/3, 0 और ये 0, 1/2 हैं। ऐसे ये 0, -1/2 और इसके कोऑर्डिनेट 1/3, 0 हो जाएंगे। फिलहाल अभी हम इसको यहाँ पर छोड़ते हुए अपना जो इंटीग्रेशन है उस पर फोकस करते हैं, यानी हम इसकी वैल्यू इवेल्युएट करने हैं। इंटीग्रेशन अलोंग सी 1/z कॉस जेड डी जेड, इस वैल्यू को अगर हम आई से डिनोट कर लें तो हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा इतनी वैल्यू को, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर लेट कर लें हम एफ जेड इज इक्वल टू कॉस जेड, यानी कॉस जेड को अगर हम एफ जेड मान लें तो ये फंक्शन, यानी हम देखेंगे कॉस जेड जो होगा वो एक एनालिटिक फंक्शन होता है, यानी यहाँ पर सी में ऐसी कोई भी वैल्यू, सी का मतलब यहाँ पर ये जो इलिप्स था उसकी बाउंड्री, इसके अंदर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो यहाँ पर पुट करें जेड की वैल्यू और ये एनालिटिक ना हो, यानी हर एक पॉइंट पर हर एक पॉइंट पर फंक्शन डिफ्रेंसीबल है और इसकी बाउंड्री पर कंटिन्यूस होगा। जबकि अगर हम पूरे फंक्शन को लेते हैं, यानी यहाँ पर आई की वैल्यू को देखें, तो आई इस फार्म में हो जाएगा, ये वैल्यू कॉस जेड को हमने जब एफ जेड कर दिया और अपान में जेड लिखा हुआ है ये, तो फिर हम देख रहे हैं कि यानी कॉस ये वैल्यू जो थी वो कॉस जेड अपान जेड थे, तो ये वैल्यू जो है वो जेड इज इक्वल टू 0 पर एनालिटिक नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस फंक्शन के लिए कि एफ जेड इज़ लॉन्ग सी एफ जेड इज़ एनालिटिक इनसाइड सी एंड ऑन सी, यानी इसके अंदर और इसके ऊपर ये एनालिटिक है, और साथ ही साथ हम ये भी कह देंगे कि एफ जेड अपॉन जेड, क्योंकि इसको अगर हमने जेड को शामिल कर लिया था ये एनालिटिक नहीं होगा, इज़ नॉट एनालिटिक, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर जेड इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाए, क्योंकि जेड इक्वल टू 0 हम यहाँ पर मिल रहा है, ये ओरिजिन है, जेड इक्वल टू 0 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन यानी एफ जेड की वैल्यू तो मालूम ही है कॉस जेड है, यहाँ पर पुट कर करें अपान में जेड हो और जेड बराबर 0 अगर रख देंगे तो ये वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी ये अनडिफाइन हो जाएगी। ऐसे केस में ये फंक्शन जो होगा वो एनालिटिक नहीं होगा, यानी डिफरेंसिबल नहीं होगा, यानी इसके डिफरेंसिबल अगर नहीं होता है तो फिर हम एनालिटिक नहीं होता है
तो फिर हम यहाँ पर कॉची फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर हमें कॉची इंटीग्रल फार्मूले की तरफ देखना होगा, जो कि फार्म जो है, क्योंकि अगर यहाँ पर न्यूमरेटर अगर एनालिटिक होता है तो डिनोमिनेटर को हम इस फार्म में लिख देते हैं, जो हम फार्म यहाँ पर दिखा देते हैं आपको कि कॉची इंटीग्रल फार्मूला होता क्या है, फिर हम उसको यहाँ पर अप्लाई भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है पहले से कॉची इंटीग्रल फार्मूला, तो ये होता है लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, यानी ये डोमेन डी है और ये डोमेन जो डी है वो इन इसमें इस जो सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी है इसमें कोई फंक्शन एफ जेड जो है वो एनालिटिक है, यानी इसके हर एक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, और ये जो डी है वो कनेक्टेड इनक्लोज हो, इनक्लोज बाय ये रेक्टिफाइबल जॉर्डन कर्व सी, यानी सी से जो उसकी लेंथ को नापा जा सकता है, यानी रेक्टिफाइबल है और जॉर्डन कर्व, यानी कोई यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स यहाँ पर नहीं है, यानी इस तरीके के कोई पॉइंट नहीं है सी में, और देख रहे अपना तो बहुत ही सिंपल एलिप्स है। एंड एफ जेड भी कॉन्टीन्यूस ऑन सी, और एफ जेड जो है इस बाउंड्री पर कंटिन्यूस हो, हमारा तो वो डिफरेंसिबल भी है वहाँ पर कॉस जेड, तो फिर कह सकते हैं कि ये इस वैल्यू यानी इस पॉइंट पर, इसमें इस डी के अंदर एक पॉइंट ऐसा हो, अगर डी पर अंदर कोई भी पॉइंट हो तो उसकी वैल्यू जो है इस फार्मूले से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यह है कॉची इंटीग्रल फार्मूला, जिसकी वैल्यू क्या होती है एफ जेड नॉट, यानी जेड नॉट कोई भी इस सी की बाउंड्री के अंदर, यानी डी जो डोमेन है उसके अंदर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इस फार्मूले से, यानी कॉची इंटीग्रल फार्मूले से दी जाती है 1/2πi इंटीग्रेशन अलोंग सी, सी ये करके बाउंड्री है एफ जेड अपन जेड माइनस जेड नॉट। जेड नॉट देखिए वही है जो यहाँ पर लिखा हुआ, जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं डी जेड, और इसके बारे में बता भी चुके हैं कि वे जेड नॉट इज एनी पॉइंट ऑफ द डी, यानी डोमेन का इस सी की जो बाउंड्री से घिरा हुआ जो डोमेन है उसके उसमें कोई भी पॉइंट है जेड नॉट है, और जिसमें अगर हम इस वैल्यू को जो डिनोमिनेटर में अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दें तो ये इंटीग्रल बचेगा, तो ये इंटीग्रल यानी एफ जेड अपन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड बचेगा, और इसमें मल्टीप्लाई किया 2πi से तो ये वैल्यू बन जाएगी इतनी, यानी 2πi एफ जेड। इसी फार्मूले का हम यूज़ करते हुए, यानी कॉची इंटीग्रल फार्मूला ही है ये और ये, तो इसका यूज़ करते हुए हम कॉची इंटीग्रल फार्मूले का यूज़ करते हुए अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने फंक्शन को इसी फार्म में बना लिया, यानी इंटीग्रेंट जो है उसको इसी फार्म में बना चुके हैं, तो हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर पहुँचते हैं और इसी इंटीग्रल फार्मूले का यूज़ करेंगे, लेकिन हमें जिसकी ज़रूरत है उसको हम पहले से फाइंड कर रखते हैं, जैसे कि एफ जेड नॉट, और जेड नॉट कौन सा पॉइंट लेंगे, कोई भी बॉन्ड इसके अंदर का पॉइंट, और यहाँ पर हम इस फार्म में उसको बदल सकें, ऐसा पॉइंट भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये यहाँ पर आई की वैल्यू इतनी है और इसको हम लिख सकते हैं आई की वैल्यू को ऐसे, यानी एफ जेड अपन जो जेड है जेड को हम जेड माइनस ज़ीरो लिख सकते हैं, और ज़ीरो जो है वो जेड नॉट का हमारा काम करेगा, यानी हम कंपेयर करेंगे इसको एफ जेड अपान जेड माइनस जेड नॉट से, यानी जेड नॉट की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई है कि वो ज़ीरो है, और इस जैसे कि हमने पहले बोला था हम वैल्यू फाइंड करके रखते हैं एफ जेड नॉट की पहले ताकि हम यूज़ कर सकें, तो इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है कि एफ जेड की वैल्यू हमने मानी थी शुरुआत में कॉस जेड, तो जो कि जेड नॉट अभी ज़ीरो के इक्वल है, और इस फार्मूले इसमें वैल्यू रखेंगे जेड बराबर ज़ीरो तो ये कॉस ज़ीरो हो जाएगी जिसकी वैल्यू वन के इक्वल होती। अब हम वहाँ पर कॉची इंटीग्रल फार्मूले का यूज़ करेंगे, तो लिख देते हैं वाई कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला, तो कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तब इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी, यानी आई की जो वैल्यू जो कि हमारे लिख रखी थी हमने इस फार्म में एफ जेड अपान जेड माइनस जेड नॉट डी जेड,
क्वार्टर इंटीग्रल फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2πi। अभी हमने फार्मूला पीछे दिखाया था आपको, एफ जेड नॉट, ये हो जाएगी इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग। और अपना इस क्वेश्चन में जेड नॉट की जो वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल है। और देखिए कि ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए, डी जो हमारा सी है, सी बाउंड्री जो है उसके अंदर ही होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि ये सी बाउंड्री है, तो जेड नॉट जेड इज इक्वल टू जो जेड नॉट यहाँ पर है, जेड नॉट ही ये ज़ीरो है, तो ये पॉइंट जो है वो सी के अंदर ही होना चाहिए। वो यहाँ पर है जो डिनोमिनेटर में होता है पॉइंट, ये वाला पॉइंट जिसके अंदर हो, तो इसकी वैल्यू हो जाती है इतनी 2πi एफ जेड नॉट। और ये वैल्यू हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर, यानी एफ जेड नॉट की वैल्यू या एफ ज़ीरो की वैल्यू 1 के इक्वल, तो यहाँ पर डायरेक्ट भी हम पूरी वैल्यू 1 रख सकते थे, इसकी वैल्यू 1 रख सकते थे, यानी 2πi। और ये लिख दिया तो कोई गलती भी नहीं थी, ये वैल्यू जो है हम फाइंड कर चुके हैं और ये i की बराबर है। i का मतलब क्या था कि हमें इंटीग्रेट करना था cos जो z डी जेड अपान में जेड, ये वैल्यू था, इसकी वैल्यू फाइंड करना थी, तो हमको मिल चुकी है लाइन इंटीग्रेशन कॉस जेड अपान जेड डी जेड इज इक्वल टू 2πi, जहाँ पर हमें मालूम है सी की वैल्यू एक एलिप्स है जो हमें बता दिया गया था, ये वैल्यू हमको फाइंड करना थी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखरुद्दावाना अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।